हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अनुज कॉर्नर में। आज हम बनाने वाले हैं मैंगो जैम, जो कि आप घर पे बहुत ही आसानी से बिना किसी प्रिजर्वेटिव के बना के तैयार कर सकते हैं। अभी तो आम का सीज़न चल रहा है, तो क्यों ना हम सब मैंगो जैम बना के स्टोर कर लें और फैमिली को हेल्दी चीज़ें खिलाएं। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम चीनी ली है और 2 आम लिए हैं, तोतापुरी आम लिए हैं। उनको मैंने गुठली और छिलका निकाल के बारीक टुकड़ों में काट लिया है। 1 स्टिक दालचीनी की ली है। अभी कुकर में मैंने आम को पीसेस को डाल दिया है और उसमें मैं लगभग 1 कप पानी डालूँगी और 1 विसल आने तक आम को पकाएंगे। आम उबालने के लिए आप स्टील का बर्तन या नॉन स्टिक की बर्तन यूज़ कीजिए, एल्युमिनियम का बर्तन मत यूज़ करिए। अभी मैंने आम को पकने के लिए रख दिया है। 1 विसल आने के बाद मैंने कुकर को खोला है। आम हमारे अच्छे से पक गए हैं। अभी मैं एक स्पून की सहायता से इनको मैश कर लूँगी। सारे आम को अच्छे से मैश कर लेंगे और अभी मैं एक छाननी लूँगी और उसके नीचे एक बाउल रखूँगी और उसमें मैंगो पल्प डाल के उसको हम छान लेंगे। जब हम जैम बनाएंगे तो उसमें कोई भी रेशा या धागा नहीं आना चाहिए या कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। छाननी की सहायता से मैंगो पल्प नीचे आ जाएगा और जो गुठली और रेशे होंगे वो सब ऊपर रह जाएंगे, उनको हम जैम बनाने में नहीं यूज़ करेंगे। और अभी मैं एक नॉन स्टिक की कढ़ाई लूँगी। आप चाहे तो मोटे तले की स्टील की कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हैं और उसमें हमारा मैंगो पल्प ऐड करूँगी। और अभी मैं इसमें 200 ग्राम चीनी ऐड करूँगी। चीनी एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव का काम करती है, इससे हमारा जैम लंबे समय तक टिकेगा। और इसमें मैं दालचीनी की स्टिक भी डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसको मत डालो। इसको अच्छे से पकाएंगे। इसको नीचे से लेके ऊपर तक अच्छे से पकाना है ताकि आम का जो पल्प है वो स्टिक ना हो जाए। ये कढ़ाई के तले पे भी स्टिक हो सकता है, इसलिए इसे अच्छे से पकाएंगे। लगभग 10 मिनट में ये देखिए इसमें बबल्स आने शुरू हो गए हैं और इसका कलर भी चेंज हो गया। जैम गाढ़ा होना शुरू हो गया है, चेक करूँगी। गैस को मैंने स्लो कर लिया है। चेक करने के लिए मैंने एक प्लेट ली है और उसमें मैंने मैंगो जैम ऐड किया है। अभी देखिए, अभी हम प्लेट को टेढ़ा करेंगे। हमारा जैम एक जगह पे ही है, स्टेबल है, ये बह नहीं रहा है, इसका मतलब जैम हमारा पक गया है। देखिए कितना गाढ़ा हो गया है और कलर भी कितना अच्छा आया है। अभी मैं इसे स्टरलाइज किए हुए एक जार में भर लूँगी। मैंने अभी इसे गरम गरम ही डाल दिया है, ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। देखा फ्रेंड्स, कितनी आसानी से, कितने अच्छे से हमने जैम घर पे ही बना लिया। बाज़ार से हम कितना महंगा जैम खरीद के लाते हैं और उसमें कितने हानिकारक केमिकल्स प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, तो इसमें हमने कोई प्रिजर्वेटिव भी नहीं ऐड किया है। ये जैम खाने में बहुत ही टेस्टी होगा और अभी से बच्चों को और फैमिली को घर पे बना हुआ खाना खिलाइए। कितना अच्छा कलर आया है देखिए, और इसका टेक्सचर देखिए कितना अच्छा है ना, एकदम बाज़ार के जैम जैसा, ये देखिए। तो अभी से घर पे ही जैम बनाइए। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल में कमेंट करके बताइए। बाय बाय दोस्तों।